आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी का मामला है। यूनिवर्सिटी में ईडी के अधिकारी समेत अफसर मौजूद हैं। एक घंटे पहले से टीम आई थी जौहर यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी में सभी अफसर जमीन की जांच कर रहे हैं। तहसीलदार सदर की 9 लोगों की टीम यूनिवर्सिटी पहुंची है। ईडी को आज जमीनों की जांच पड़ताल करके रिपोर्ट भेजेंगे। डीएम के निर्देश पर तहसीलदार सदर ने 9 लोगों की टीम गठित की है। और इस वक्त की बड़ी खबर है, रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी है जहां पर ईडी के अधिकारी और कई आला अफसर मौजूद हैं जो कि जमीन की जांच कर रहे हैं। तहसीलदार सदर के 9 लोगों की टीम इस वक्त यूनिवर्सिटी में मौजूद है और जमीन की जांच कर रही है। बड़ी कार्रवाई की जा रही है ईडी की तरफ से। ईडी को जमीनों की जांच पड़ताल करके रिपोर्ट भेजी जाएगी। तहसील द्वारा डीएम के निर्देश पर ये 9 लोगों की टीम बनाई गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यूनिवर्सिटी में आला अधिकारियों का पूरा काफिला पहुंचा है, जिसमें ईडी के अधिकारी भी हैं, तहसील के भी लोग हैं और कई अन्य अधिकारी मौजूद हैं। आप जौहर यूनिवर्सिटी की इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं। तहसीलदार ने 9 लोगों की टीम गठित की है जो यूनिवर्सिटी की जमीन की जांच करने पहुंची है और ये जांच रिपोर्ट जो है ईडी को सौंपी जाएगी। तो आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी में ईडी के अधिकारी समेत तहसील के लोग पहुंचे हैं। तहसीलदार ने 9 लोगों की टीम गठित की थी जो आज आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी का मुआयना करने पहुंची है, जांच करने पहुंची है और डीएम के निर्देश पर 9 लोगों की टीम गठित की गई है और ये टीम जो है एक घंटे से वहां पर मौजूद है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के बाद पूरी रिपोर्ट जो है ईडी को सौंपी जाएगी। तहसील